अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई अभी हम जा रहे हैं इंग्लिश की क्लास लेने के लिए। आज हमारी कैमरा की क्लास होती है, लेकिन सर ने कहा है कि अभी कंफर्म नहीं है कि मैं क्लास लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी रैकी है। रैकी का मतलब ये होता है कि हम जिस जगह पर शूट करनी होती है हमें, उस जगह को पहले से देखने जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से फ्रेम्स बनाए। अक्सर जो DPs होते हैं, DPs से मुराद कैमरामैन, तो वो देखते हैं लोकेशन के, यार मैं इस जगह पर कैमरा रख के इस जगह पर शूट करूँगा तो किस तरीके से होगी। वो रैकी पे गए हुए, उन्होंने कहा है कि भाई मैं थोड़ी देर में कंफर्म कर देता हूँ क्लास लेनी है या नहीं लेनी। और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, मज़े की बात ये है, यूनिवर्सिटी का रास्ता पता है कितना है? देखिए, इतना बड़ा रास्ता है ना, मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है, एक किक मारनी है और ये सामने यूनिवर्सिटी। सीन चेक किया आप लोगों ने? मतलब अब इतना लंबा रास्ता तय करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी को हमने बोला भाई फ़ौरन इधर आ जाओ, शराफत से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी को उठा के अपने घर के पास ही रख दिया। हमने कहा बस बहुत हो गया भाई तुम्हारा आना जाना, इतना पेट्रोल खर्च, तो पेट्रोल इतना महंगा, फिर ऊपर से आने जाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने यूनिवर्सिटी को बोला भाई तुम इधर आ जाओ, आ गई घर के पास। फाइनली यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ और हाइकिंग शुरू हो गई है हमारी। हम पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, इधर भी गड्ढे हैं, इधर भी गड्ढे हैं। जब भी इधर हमारी क्लास होती है फिरोजा आश्रम में, मैं आप लोगों को ये गड्ढे लाजमी दिखाता हूँ। मैं गलत क्लास में घुस गया, HOI की, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के सर बैठे हुए हमारे, और इंग्लिश की क्लास किस तरफ है? ऊपर ही होती है लाइब्रेरी में। लो, लाइब्रेरी तो बंद पड़ी है। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। ये देखे ताला लगा हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आए, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है यार, लेकिन जाए दिल का मुकाबला नहीं कर सकती। जाए दिल उन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, खतरनाक है भाई वो। अब सर्दियों में कुत्ता सर्दी, गर्मियों में फिर भी ठंडक। आप लोगों को पता कैसे चलता है कि सर्दी आ गई? सर्दी लगती होगी, तबीयत ख़राब होती होगी, लेकिन हमें पता कैसे पता चलता है सर्दी आ गई? ये देखें, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा हाथ छिल चुका है पूरा, अब खाल चेंज होगी। अब इसका भी एक प्रोसेस है पूरा भैया। पहले होते हैं हाथ में छोटे 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 बारीक बारीक दाने, फिर पता ही नहीं चलता, वो अंदर अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई खुजली होने से पैसा आता है। या अल्लाह, अगर ये बात सच हो जाए तो मैं तो दुनिया का अमीर आदमी बन जाऊँ। हाथ में इतनी खुजली होती है कि पता चल जाता है कि भाई अब जो है हाथ की खाल उतरने वाली है। अब ये खाल फिर उसके बाद सख्त हो जाती है, मतलब हाथ ऐसा सख्त हो जाता है जैसे मज़दूरों का हाथ सख्त होता है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद खाल उतरना शुरू होती है। खाल उतरने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस है भाई, फिर खून भी निकलता है हाथों से खून। अच्छा, फिर इसका मसला ये है कि जब मैंने ये गौर किया है कि जब मैंने वैसलीन लगाई है या इसको बिल्कुल सही कर लिया है, तो ये गर्मी में चला गया, गर्मी में शिफ्ट हो गया, तो उतरनी तो है खाल। लो भाई, अभी पता चला है, मैंने मैसेज देखा है, डाटा खोला, मैंने बोला चलो खोल के चेक करता हूँ डाटा। हाय, पता ये चला है कि क्लास कैंसिल हो चुकी है, मिस को बुखार हो रहा है। चल खैर, टूटा हुआ साज हूँ मैं। अगर लाइफ के अंदर अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगने का ऑप्शन होता ना, बड़ा मज़ा आ जाता, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक लग रहे होते। ये आ गया भाई जंगलों में, गड्ढों में, माशाल्लाह। ओहो, नीचे भाई अलग दुनिया बन रही है, नीचे अलग पेड़ उग रहे हैं और अलग ही मखलूकात पैदा हो रही हैं। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। चेक कर रहे हैं आप हरियाली, चेक कर रहे हैं आप? कोई बंदा भागता हुआ आए, उसको पता ही नहीं चलेगा गड्ढे यहाँ पे, गिर जाएगा अंदर। भाई फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, जैसे कि स्टील टाउन और भी बहुत सारी दूर दूर जगह है। तो जब ऐसे बच्चों को पता चलता है ना कि भाई यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और पता चलता है क्लास नहीं है, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं, इसको पैरेलल कर लेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमने तो ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया इसको। खैर अल्लाह बेहतर करेगा भाई। भाई यूनिवर्सिटी की क्लास तो नहीं हुई, लेकिन हम अभी कर रहे हैं असाइनमेंट 1.9। मुनज़्ज़मा जी क्या नाम है असाइनमेंट का? पीछे का तुम्हारा घर गिर गया, बिल्कुल बेकार। मुनज़्ज़मा जाओ वो पीछे से सही करो, वो हॉन्टेड हाउस ही लग रहा है। जाओ मुनज़्ज़मा सही करो, सही से काम करो बहू, सीधा बैठो।
उसके ट्रायंगल नहीं बन रहा यहाँ पे, ये हाँ यहाँ से बैठ के मैं बता रहा हूँ बेटा। तुमने फ्लैश खोला हुआ है? अच्छा मेरी वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। अब मेरे मुंह पे आ गया फ्लैश। बहुत ज्यादा जैनब आप बहुत ज्यादा क्लोज ले रही है, वो थोड़ा पीछे पीछे वो आ रहा है पर्दे वगैरह नहीं आएगा ना। चलो मैं आगे से ले लेता। हाँ सही से करो चादर सही। कैसी बहू हो तुम? अरे हमारे तो नसीब फूट गए, हम ऐसी बहू लेकर आए, काम धंधा आता नहीं है। बात बस कर दो, चलो वो मुंह छुपा रही है बहू। जल्दी लो ना यार, बहू बन गई, बहू बहू बन गई। चलो लाइट सेट करो बहू। ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है, भाव भाव है, भाव भाव बेटा। आप उसके देखो ट्रायंगल बन रहा है। इधर मुंह सीधा करो, मुंह सीधा करो, मुंह सीधा करो मधुशी, मुंह सीधा रखो। हां यूं रखो, कैमरे में मत देखो। सबर ये बात सब की ऐसी वीडियो बनाते हैं, आज मैं बात कैसी वीडियो बनाऊं। अच्छा अच्छा अल्लाह खैर, अल्लाह बेहतर बना। हां मेरे हाथ में दर्द हो रहा है धीरे। अच्छा ले, हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया इसके, पता चल गया ना। सुसर को बहू वो देनी है रोटी, फौरन हाथ में दर्द हो गया इसके। और तुम जल्दी से शर्ट चेंज करके आओ भाई। क्यों हंस रहे हो भाई? माशाल्लाह मुनज्जा बाजी ने केक, और ये क्या है चिप्स? कौन सी चिप्स है ये? लेस। ऋषम भाई आप कुछ नहीं खा रहे? क्यों आप क्यों नहीं खा रहे भाई? मुंह में तो नहीं घुसा है। क्यों भाई मुंह में क्यों नहीं घुसा? जनाब आप चाह रही थी आपके मुंह में घुसाया जाए कैमरा? नहीं भाई भाई मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हारे मुंह में कैमरा घुसा है। वो मैं कट कर दूंगा, हर इंसान का बदला लिया है, वो मैं कट कर दूंगा। नीचे बैठो शीशा टूट जाएगा। पूरा उठा के खाओ ना, चॉकलेट क्यों खा रहे हो? सबर कर लो बेटा, बहू हो तुम, बहू रहो, सही है ना? माँ बनने की जरूरत नहीं है। किसकी बहू है? मेरी बहू है। तो सारे मर्दों को बाप बनने का शौक पता नहीं क्यों होता है? तो सारे बाप ही बनते, माँ तो बन नहीं सकते। छोटी बच्ची है ना, इस वजह से आएगी चेयर। छोटी बच्ची हो क्या? वो कंफ्यूज हो रही है कहाँ देखूं। आ गई सही पिक्चर? नहीं उफ, सही चेयर से नजर आएगी, चेयर तो नजर आएगी। टॉप लाइट दो, टॉप लाइट। ओहो टॉप लाइट दो भाई। तुम्हें लाइट का वो सेंस है? मुनज्जा बाजी पानी पिला दे। जल्दी सर पानी पिला दे, आओ ना। हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ 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 ना, इसका नाम क्या है? अनाया जवेरिया और वो अनाया आ गई व्लॉग में। तुम भी आ गई हो और तुम भी आ गई हो, ठीक है। ये अनाया है, ये अनाया है, और ये जवेरिया है। अच्छा हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो, आई एम इन मुनज्जा बाजीज होम। कैसी हैं आप? ठीक है, खाना वाना खा लिया आपने? मुनज्जा बाजी को बोला पानी ले आए, आप पानी ले आए जल्दी से भाग के एक गिलास। जल्दी जाए अनाया, जाए आप भी जाए, और जवेरिया आप भी जाए, आप दोनों जुड़वाए ना। फाइनली हमने असाइनमेंट कर लिया है और अब हम आ गए हैं यूसुफ को पढ़ाने के लिए। क्या उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सारी दुनिया ने देख लिया अभी इस हालत में। इधर इधर इधर। अच्छा तुम पहले से ही उठ गए, तुमने बोला मेरे साथ कोई कांड ना हो मैं आके खोल लूँ पहले। उठ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। चलो भाई भाई हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? कौन बोल रही? तुम्हारी हालत चर्चियों वाली हो रही है बिल्कुल कबीर। ये दिखाओ हाथ, दिखाओ, ये जबरदस्त। एक शिकारी तो हो गया, टिंग दूसरा वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बेटा उठ जाओ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ तेरी, ये देखा। अच्छा सुकून से तो सो नहीं रहे तुम, फायदा क्या है? उठ जाओ, उठ जाओ भाई। सारे कामों के बाद अभी हम आ गए हैं शूट पे। वेटर, कौन सी शूट चल रही है? वेटर वेटर टाइप्स ऑफ वेटर। सुनो भाई, वेटर वेटर हैं, वेटर पुराने वक्त याद आ गए है ना? हां देखा, सुनो भाई इमोशनल हुए हैं। सुनो भाई क्या हुआ? अच्छा यही सोच रहे थे मुंह पे ना लेकर आऊं। सुनो भाई बोल रहे हैं वेटर वेटर पुराने दिन याद आ रहे हैं मुझे। अच्छा हां यही तो बात है सारी। ये इसके नाक पे ले।
क्यों, इसकी नाक में क्या है? इसकी नाक उससे अच्छी है। भाई दिलीप साहब कैमरा लोग है ना, ये बताओ सोनू भाई कितने की बेच रहे हो? है कितने की बेच रहे? मैं 800 गज की है ना, 8 लाख की आपके लिए। 8 लाख की मेरे लिए? नाक को मैं करूंगा क्या इससे बताओ? इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ क्या? बैरिया टाउन में 2 फ्लैट आ जाएंगे। अच्छा ले दे रहे मुँह पे। भाई वेटर बने में, वेटर्स के ऊपर वीडियो बना रहे। सुनो भाई सब सेट है? पहला वेटर देगा ये रैपिंग नहीं कर रहे हो, हमारे हाथ से नवा रहा है, सही बात। रोटी पे पड़ कितना तो दिखाओ, गरबरों से पुकारो रोटी कुत्ता। ये कौन सा कुत्ता है? ये कुत्ता वो है जो आज कुत्ते की तरह भागा। ये वो है 3 2 1 आज मैं भागा हूँ कुत्तों की तरह। अच्छा अच्छा, कुत्तों की इंसानों की तरह भागते तो अभी सेहत सही रहती। कमर में दर्द, कुत्तों की तरह भागो ना, बिल्ली की तरह भागो। अल्लाह बेहतर करेगा।